नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस फॉर गार्डनिंग में। और इस वीडियो का टॉपिक है कोलियस प्लांट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलियस प्लांट के ऊपर। कोलियस प्लांट बहुत तरह का होता है, तो जो मैं केयर टिप्स आपको बताने वाला हूँ वो किसी भी तरह के कोलियस प्लांट पे आप लगा सकते हैं। आप फोटो पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे तरह के कोलियस के प्लांट होते हैं, पर जो मैं केयर टिप्स आपको बताऊंगा वो आप किसी भी तरह के कोलियस प्लांट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये कोलियस का प्लांट है जिसपे फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत सारे नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो इसकी मैं क्या केयर करता था और क्या केयर करनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैं आपको इसके प्रिकॉशंस और डू और डोंट सब बता दूंगा, यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके साथ, ये भी मैं इसी वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इस लाल बटन को दबाकर और इस बेल को भी दबाइए ताकि आपको गार्डनिंग की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले इसके वाटरिंग की बात कर लें, तो वाटरिंग इसमें बहुत कम करनी है। ये है सॉफ्ट वुड प्लांट, यानी इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसके जो तने हैं, इसके जो कलम हैं वो बहुत नरम होती है, तो थोड़े बहुत झटके से या थोड़ी ताकत लगाने से जो है वो ख़राब हो सकती है। बहुत नरम होने की वजह से, ज़्यादा पानी देने की वजह से वो गल सकते हैं। तो पानी तो बहुत हमें कम देना है, और अगर आप इसको कम पानी देंगे तो ये अच्छा सर्वाइव करेगा, अच्छा चलेगा। और 2 से 3 दिन में एक बार पानी दें। अगर आपके एरिया में गर्मी पड़ती है तो आप 1 दिन में एक बार दे सकते हैं, नहीं तो आप 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर से इसको दे दें। तो इसको सनलाइट की बात कर लें, इसको तो सनलाइट, इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट इसके लिए सफिशियंट है, तो उतना इसको जो है डेली मिलना चाहिए। और अगर आप बहुत गर्म इलाके से हैं तो इसको सेमी शेड में रखें, और अगर ठंडे इलाके से हैं तो इसको दिन भर धूप दें। तो ये मीडियम टेम्परेचर का प्लांट है। तीसरी और सबसे मेन चीज़ की बात कर लें तो वो है इसके पत्ते। इनके पत्ते को हमेशा ग्रीन और अच्छा दिखाने के लिए हम इसकी कटिंग करते रहना चाहिए। जितनी इसकी कटिंग होगी उतनी इसमें नई ब्रांचेस आएंगी, और नई ब्रांचेस यानी नई पत्तियाँ इसकी जो है बहुत खूबसूरत दिखती हैं। जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनका कलर जो है उड़ जाता है। मेरे में प्लांट में आप देख सकते हैं लगभग सारी नई पत्तियाँ हैं, और इसी के बाजू में मैंने जो दूसरे प्लांट रखे हैं जो ये देख रहे हैं आप, ये सारे पुराने प्लांट हैं और इसमें मैं बिल्कुल केयर जो है ध्यान नहीं करता हूँ। पर ये जो मेरे बाजू में मेन जो मेरा प्लांट है उसकी मैं बहुत केयर करता हूँ, और ये मदर प्लांट बोल सकते हैं। मैं एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना चुका हूँ, और उनकी कटिंग लगा लगा कर सब कुछ एकदम बहुत सारे प्लांट्स बना दिया हूँ। तो आप भी कर सकते हैं इसकी कटिंग वटिंग, और उसी कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। तो कटिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें, और कटिंग आप करते रहें इस प्लांट की, थोड़ी थोड़ी ऊपर से 1-1 2-2 इंच नई ग्रोथ को आप हटा देंगे तो नीचे से और नई नई ग्रोथ निकलेंगी, तो आप ये ज़रूर करें। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको कैसे खाद देना है। इसको देना है तो सिर्फ ऑर्गेनिक खाद दीजिए, वो भी एक मुट्ठी 15 से 20 दिन के अंतराल में, यानी गैप में, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको कोई दूसरी खाद की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप केमिकल ही डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं NPK, वो अपने हिसाब से आप जांच करके परख करके डालें। उसके लिए कोई फिक्स वैल्यू मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं वैसे भी केमिकल बहुत कम यूज़ करता हूँ, या तो यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आप केमिकल अपने अपने जिम्मेदारी पर डालें, मैं आपको केमिकल डालने की जो है सजेशन नहीं देता। और अब बात कर लेते हैं ये प्लांट की स्टेम्स के बारे में। ये स्टेम्स इसकी घनी करना घना घना करना है, तो आपको पिंचिंग करना है। और पिंचिंग यानी जो इसके नए जो निकल रहे हैं पत्ते, ये मतलब जो नई ब्रांचेस निकल रही हैं उसको आप काट दें। पूरा नहीं काटना है, सिर्फ जहाँ से ग्रोथ तो नई नई निकल रही है उसको काट देना है, ताकि जो वही जो स्टेम है उसी स्टेम में 3 या 4 और नए नोड्स से और 3-4 नए ब्रांचेस निकलें। और ये ब्रांचेस निकलने से आपका प्लांट जो है घना होता जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आप जो है इसकी कटिंग जरूर से करते रहें। तो मैंने इस वीडियो में इसकी सारी बातें बता दी हैं, और मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, मेन ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम होता है, और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और लाइक के बटन को ज़रूर से दबाएँ। और कोई भी प्रॉब्लम या सल्यूशन देने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं।